उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला अभी जारी है। पहले बीजेपी के कई विधायक और मंत्री समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और अब बीजेपी ने सपा को झटका दिया है। रविवार को सपा एमएलसी घनश्याम लोधी और शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बीजेपी का दामन थामा। इसके साथ पूर्व विधायक शिकोहाबाद ओम प्रकाश, विजय प्रताप सिंह छोटू, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष फिरोजाबाद भी पार्टी में शामिल हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली सूची देखते ही सपा ने हार मान ली। यही वजह है कि हताश और निराश सपा अब हिंसा और धमकी की भाषा पर उतर आई है। सपा ने गुंडों, माफियाओं और दंगाइयों का अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के उत्साह से निराश सपा अब चुनाव में हिंसा फैलाने की धमकी देने लगी है। सपा की तरफ से पोस्ट किया गया एक धमकी भरा वीडियो और सपा नेता अब्दुल्ला आजम का बयान इसका प्रमाण है। आपको बता दें कि सपा एमएलसी घनश्याम लोधी ने कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि पार्टी में पिछड़ों को उचित सम्मान नहीं मिला है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर अपना दर्द बयां किया था। खत में कहा था कि सपा द्वारा दलित समाज की उपेक्षा की गई है, इसी वजह से वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। वैसे जिस वजह से घनश्याम लोधी ने इस्तीफा दिया था, यही कारण देकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा का दामन थामा था। उन्होंने भी यही कहा था कि बीजेपी में दलितों पिछड़ों का कोई सम्मान नहीं है, उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती है और सिर्फ वर्ग विशेष का ही विकास किया जाता है।